भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित की जाने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान सिरोही की आम सभा में केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा सिरोही शहर में रामनवमी के जुलूस पर पथराव व अन्य घटना को लेकर दिए गए झूठे बयानों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सिरोही में शेखावत के द्वारा दिए गए बयानों को सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने स्पष्ट एवं प्रमाणित हेट स्पीच बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार ठोस व प्रभावी कार्रवाई करते हुए ऐसे हेट स्पीच देने वाले मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। लोढ़ा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राजस्थान सरकार के संज्ञान में ये प्रकरण लाकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जनता में नफरत फैलाने, शांति भंग करने, हेट स्पीच देने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A, 505, 153 बी, 153 ए के तहत कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग की। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने दावा किया है कि भाजपा की आक्रोश यात्रा परिवर्तन संकल्प यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। कार्यकर्ता या आम जनता यात्रा को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इससे भाजपा व उसके नेता बुरी तरह से बौखला गए। लोढ़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने इतिहास के अनुरूप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए सांप्रदायिक हथकंडे अपनाने एवं धर्म की राजनीति पर उतर आई है। लोढ़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा व उसके नेताओं का मूल उद्देश्य जाति व धर्म के नाम पर लोगों को उकसाना, बहकाना और भटकाना है। विधायक संयम लोढ़ा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा सिरोही में रामनवमी के जुलूस पर पथराव होने व अन्य घटना को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि पूरा सिरोही विधानसभा क्षेत्र शांत व सांप्रदायिक सद्भाव वाला क्षेत्र है। यहाँ सभी धर्म व वर्ग के लोग मिलजुल कर पूरी आस्था श्रद्धा के साथ अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। जिस रामनवमी के जुलूस पर पथराव की घटना बताई जा रही है, उसमें वह खुद मौके पर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित हजारों आमजन के साथ उपस्थित थे और रामनवमी शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत सत्कार और अभिनंदन कर रहे थे। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी थी। उसके बाद भी केंद्रीय मंत्री द्वारा आम जनता को एक धर्म विशेष के विरुद्ध उकसाने, गुमराह करने, सिरोही की भोली भाली जनता में सांप्रदायिक नफरत फैलाने के उद्देश्य से हेट स्पीच के जरिए अनर्गल बयानबाजी की गई। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की आम जनता पूरी तरह से शिक्षित और परिपक्व है। भाजपा के नेताओं की किसी भी तरह की नफरत की राजनीति से परे जाकर सिर्फ और सिर्फ सिरोही के विकास के लिए समर्पित एवं एकजुट है। सिरोही विधानसभा क्षेत्र केवल जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल